चलिए इसका 360 व्यू कर लेते हैं। वाटर स्कूटर यामा, अब इसके अंदर से देखते हैं हम लोग इसके इंजन में क्या क्या एड है, इंजन कैसा है। ये देखिए इंजन 700 cc का यामा का इंजन है, ट्विन स्पार्क प्लग के साथ। फ्रेंड्स ये इसका पेट्रोल टैंक है, 40 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है इसके साथ। दोस्तों यामा के जो स्कूटर के जो वाटर स्कूटर है, इसके अंदर जो इंजन है ऑयल है, वो यहाँ इंजन में इसके अंदर जाता है। पहले इसके अंदर इंजन डालेंगे, ये इंजन का टैंक है, इंजन ऑयल का टैंक है। टैंक में जब इंजन ऑयल डालेंगे तो यहाँ से ये सप्लाई लेगा इंजन के लिए। ये इसका पूरा किट आता है, इंजन ऑयल टैंक है ये, साथ में ये डिवाइस लगा के देते हैं। तो इसका पंप है जो इसको डायरेक्ट इंजन में ऑयल की इंजन ऑयल की सप्लाई डायरेक्ट देता है। इसके इंजन के अंदर ऑयल नहीं होता है, ये डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू जाता है। ये इसका एग्जॉस्ट है, साइलेंसर जो पीछे तक जाता है, ये दो ये फ्रेंड ये पीछे तक जाता है। ये वाटर स्कूटर की बैक साइड है। अब इसमें क्या क्या है, बैक साइड की तरफ जो स्कूटर जो मूवमेंट करेगा वो ये मूवमेंट करता है। जो लेफ्ट राइट करेंगे तो ये आगे से ही कंट्रोल होता है और ये लेफ्ट राइट करता है। अब जो इसका प्रोपेलर है जो इसको स्पीड देता है वो इसके अंदर है, इसमें दिखा नहीं दे पा रहा लेकिन इसके अंदर है वो। जो लेफ्ट राइट करने वाला जो कंट्रोलर है इस रोड शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ये और फ्रेंड ये इसका एयर फिल्टर बॉक्स, जो एयर फिल्टर है वो इसके अंदर है। तो ये थी दोस्तों थोड़ी वाटर स्कूटर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।